तो और के अलार्मिंग क्या चल रहा है? हाँ भाई हाँ, पता है तुम लोग ने केजीएफ 2 देख ली, बट अरे थम जा भाई थम जा, अरे बस कर। तो जब से लोगों ने केजीएफ 2 देखी है तब से सोशल मीडिया में कतई आग लग गई। अब मूवी इतनी अमेजिंग थी, आग तो लगना ही था, बट हमारे मीमर भाई लोग, जी हाँ, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो या ट्विटर, हर जगह यही चल रहा है, अरे भस करो भाई, हो गया और कितना, तन्नानी नाने नानेनी नानो नानो नाने नो। और हद तो तब हो गई जब एक बंदे से मूवी का रिव्यू पूछा गया और वो क्या करता, तन्नानी ताने ताने तन्नाने ताने ताने नो, तन्नानी ताने ताने तन्नाने ताने नाने नो। भाई हाँ इमोशनल, भाई बहुत इमोशनल, मेरे को तो क्राई आ गया। नहीं मतलब लोग इतने भैया एडिक्टिव हो चुके हैं इस गाने से कि भैया पीएम साहब को भी नहीं छोड़ा, हमारे मोदी जी को भी नहीं छोड़ा, वहां भी लगा दिया। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो KGF 2, जी हाँ, जिस मूवी का हमको इतने सालों से इंतजार था वो मूवी फाइनली थिएटर में आ गई और हम में से मोस्टली सारे लोगों ने उस मूवी को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो जाओ भाई देखो, तुम लोग क्या मिस कर रहे हो तुमको नहीं पता। जी हाँ, ये मूवी इतना लोगों के सर पे चढ़ गई है कि लोग भाई इतने पम्प्ड अप हो गए कि क्या बोले। जी हाँ, इस मूवी का असर इतना लोगों पे चढ़ गया है कि बच्चों को भैया अपने घर वाले सिखा रहे हैं कि स्कूल में फादर नेम वाले कॉलम में मेरा नाम डालना है, रॉकी भाई का नहीं। क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्टिंग, एक्शन और रॉकी भाई के ओपी डायलॉग्स भाई दिखाया गया ना मूवी पे, भाई यहीं से दिख रहा है कि भाई बॉलीवुड का जो सूर्य है ना वो अस्त होने वाला है। वो तो अस्त ही हो रहा है क्योंकि हमारे 3 पद्मश्री बेच रहे हैं पान मसाला, वो भी विमल पान मसाला। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अक्षय कुमार जो खुद को इतना फिट रखते हैं और उनकी फिटनेस के बारे में हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, पर आजकल वो क्या बेच रहे हैं, विमल पान मसाला। बोलो जुबान केसरी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब बैठना तो पड़ेगा ना गाइस, क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड का सूर्य अस्त हो रहा, साउथ की मूवीज इतना धूम मचा रही है, चाहे वो RRR ले लो, पुष्पा ले लो, KGF 2 ले लो, KGF ले लो, बाहुबली ले लो, भाई और कुछ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं बनता। खैर, ऑडियंस ने जब इस चीज पे आवाज उठाई और भैया उनको ट्रोल करना चालू कर दिया, तब उसके बाद अक्की पाजी बोलते हैं कि भैया सॉरी, अब हम ऐसा ऐड नहीं करेंगे और ये जितने भी इसके पैसे आएंगे वो गुड कॉज पे जाएंगे, एंड जब तक ये ऐड चलेगा चलेगा, पर हम अब ऐसा नहीं करेंगे। वेल डन। बट कमिंग बैक टू KGF 2, जी हाँ KGF 2 अगर आपने देखी है तो ये सीन, जी हाँ गाइस, ये सीन जो था ना, हाय हाय। ऐसे छोटे छोटे गुंडों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। दिस इज अ स्टेट मैटर एंड दे विल हैंडल इट। नो, जस्ट 5 मिनट्स मैम, प्लीज मैम। छोटी बच्ची हो क्या? शॉडी पाची हो क्या? बाय बाय श्री 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 टाइगर श्रॉफ, जो अपने बॉलीवुड करियर में इतना फेमस नहीं हो पाए जितना इनका ये डायलॉग हो गया। इमोशनल डैमेज। नहीं लोग, हमारे भाई लोग, मीमर भाई लोग इतने टैलेंटेड है ना कि भैया एक से एक इनकी एडिट बना रहे, जैसे ये एडिट देखना। सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है छोटी बच्ची हो क्या? क्रिएटिविटी लेवल देख रहे हो गाइस, 3000 प्लस हो रखा। और यही नहीं, अभी एक और देखना। क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? एक दो तीन सारे साथ में बोलो, छोटी बच्ची हो क्या? तो यार बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ चैनल के लिए, तो यार कुछ भी बना दिया है, मैं थोड़ा सा डिप्रेस हूँ अपने चैनल को लेके, बट स्टिल मैं हार नहीं मानूंगा एंड मेरे को और कोई काम आता नहीं है, मैं एक क्रिएटर हूँ और क्रिएट करता रहूँगा जब तक है दम। तो यार वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, जस्ट से छोटी बच्ची हो क्या?